नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 26 अप्रैल 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ पोजीशन है जी। नमस्कार भाऊ जी। नमस्कार जी। भाऊ जी आज का कैसा बाजार जी, गाड़ियां कितनी है जी, क्या पोजीशन हो रही जी और क्यों? राणा जी अराइवल आज की 96 गाड़ी है। सिर्फ 96 गाड़ी? हाँ, जिसमें कल का बैलेंस भी है जो रुक गई थी कल। अच्छा जी। और बिक्री बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। हाँ जी, मतलब मई चढ़ने वाला है, मई से एक हफ्ता पहले ही बिक्री स्लो हो गई है। अच्छा जी। मई के अंदर होती है, रौनक मेला बिल्कुल गायब हो गया। बिल्कुल गायब है जी, बिल्कुल गायब है। अभी हमारे ये तिवारी जी बैठे हैं। हाँ जी। तो घर से आया, हम तो 7 बजे आ जाते हैं, तो यही जिक्र चल रहा था। तिवारी जी भी बता रहे थे कि भाऊ जी अभी एक हफ्ता गुजरा है, सुबह घर से आगे हम जैसे गाड़ियां आई उसका माल लिखते हैं ना, सबसे पहले लाट लिखते हैं किसमें क्या है, तो ग्राहक माल नहीं लिखने देते होते थे हमें। भाऊ जी ये कितने का, भाऊ जी ये कितने का, ये कितने का, गोली कितने, गुल्ला कितने का, आलू कितने का, मतलब वो कहते थे कि माल भी बाद में लिखो, पहले बेचना चालू करो। ठीक है जी। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ये क्या कहानी हो गई हमें समझ नहीं आ रही। बिक्री दब गई बिल्कुल ही। हाँ जी बिल्कुल दब गई। पहले 100 गाड़ियां बोलते थे, फिर 80 पे आए, फिर 70 पे आए, अब तो जो दिल्ली वालों ने 50 कहना शुरू कर दिया जी। बिल्कुल, इसमें भी मैं गिनती कर रहा था, 40 गाड़ी पंजाब साइड से। 40 गाड़ी पंजाब? अच्छा जी। क्योंकि जिसमें के तीन तो वो है पुखराज टाइप और डायमंड 14 है, ये भी पंजाब है। उसके बाद आ गया LR 11 है, ये भी पंजाब है। और नया 12 गाड़ी है, ये भी पंजाब है। अच्छा जी। तो ये टोटल करो तो 40-42 गाड़ी पंजाब साइड से है, 96। ठीक है जी। यूपी से बहुत कम आलू आ रहा है, यूपी से पड़ते नहीं हैं। हाँ जी। और बिक्री भी स्लो है, कुछ हम लोग मंगवा भी नहीं रहे खुश होके, क्योंकि मंगवा के ना जी दिक्कत वाला काम है, 2-3 दिन गाड़ी बिके ना परेशानी है, जवाब देना मुश्किल हो जाता है। और पैसों की गाड़ी बन रही है, रकम लग रही है, 2.5-3 लाख की गाड़ी बैठ रही है। अच्छा जी। स्टोर की तो रिस्क ज़्यादा है, बिक्री स्लो है, तो देखते हैं आगे क्या होता। ये मई का महीना तो ऐसे चलाना ही पड़ेगा रोडों पे। अच्छा जी। कोई इसका नेगेटिव असर तो नहीं जाने का जी मार्केट पे, जैसे ये बोल दें कि बिक्री दब गई, बिक्री नहीं रही? नहीं, मुझे नहीं लग रहा नेगेटिव असर जाएगा, क्योंकि ये हर साल ही होता है। अच्छा जी। क्योंकि इन महीनों में ना जी, इन दिनों के अंदर गर्मी का प्रकोप तो होता ही है थोड़ा सा, छुट्टियां पड़ जाती हैं, स्कूल बंद हो गए, फिर उसके अलावा जो हरी सब्जी है, हरी सब्जी भी जो घरों में अब आएगी ना जी, वो सारी विदाउट आलू की है, जिसमें आलू की ज़रूरत नहीं है, जैसे टिंडा है, लौकी है, भिंडी है, तोरी है, मतलब जो मर्जी बना लो, ये सब बिना आलू की सब्जियाँ। ठीक है जी। और हरी सब्जी अच्छी भी लगती है गर्मी में। फिर खरबूजे का बड़ा जोर होता है इन दिनों में, अब रात को बंदा कह रहा खरबूजा ही खा लो, सो जाओ, क्या सब्जी बनानी है। ठीक है जी। आम है, आम का भी जोर चल पड़ेगा, तो ये 1-1.5 महीना थोड़ी परेशानी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है किसान भाइयों को, कोई ऐसी बात नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन दिनों में बिक्री स्लो है, आप निकासी को भी थोड़ा स्लो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। आगे जाके ठीक हो जाएगा, फिर निकासी बढ़ा देना, तो परेशानी कुछ भी नहीं है, सिर्फ घबराना नहीं है। ठीक है जी। यानी घबराए ना जी इसमें? हाँ जी। ठीक है जी। ये कौन से वाला है जी? ये हाइब्रिड आलू है। हाँ जी। इसको 302 भी कहते हैं, मोटी टपक है, स्टोर का आलू है, स्टोर की गाड़ी है। अच्छा जी। 37-98 का लाट था, वो बिक चुका है। अच्छा जी। ये 2 लाट हाइब्रिड के हैं। 37-98 क्या रेट गया जी आज? 37-98 BIP की पोजीशन तो है, 950 से 1000 पे एक स्टोर वाले आलू की। अच्छा जी। बाकी जो नीचे में है 900, 950, 900 भी है, ज़्यादा कबाड़ कोई आलू आएगा। अच्छा जी। क्योंकि बिक्री स्लो को देखते हुए उतार के रखते हैं, तब भी दिक्कत है, और बेचना ज़रूरी होता है। ठीक है जी। तो BIP आलू आ नहीं रहे मंडी में, क्योंकि अच्छा 10-12 गाड़ी कोल्ड की लिखी हुई है। हाँ जी। कोई खास BIP है नहीं, BIP हो तो 1000 रुपये का ग्राहक है जहाँ। अच्छा जी। बाकी नीचे में तो फिर 900 भी है, 9.25 भी है, 9.5 भी है। और ये ऐसे वाले जी हैं? ऐसे वाले भी 900, 900, 950, 900, जहाँ दाव लग जाए, जहाँ ग्राहक को समझ आए। स्टोर के हाइब्रिड जी हैं? हाइब्रिड आलू। अच्छा, यूपी का ही है जी? हाँ, यूपी का ही है, टपक इसकी थोड़ी मोटी है। अच्छा जी। बम्पर की मात्रा ज़्यादा है, देखो ना, ये सारा दाना बम्पर है, टोटल बम्पर है, तो मतलब बिना छांट के रखा हुआ है, जिसने भी रखा कोल्ड के अंदर, छटाई नहीं हुई,
डंपर अलग निकला होता। रोफर ला कौन सा जी वो? ये कोठे का डंप का आलू है, कल की गाड़ी थी, इसमें मेरे पास बैलेंस रह गए थे 60-70 कट्टे। अच्छा, आलू बहुत बढ़िया है अभी, ये 900 रुपये हंसके बिक रहे थे 2-3 दिन पहले, अब इसका भी 20-30 रुपये का डाउन है। कोई कल इसका आया नहीं, जब लास्ट में रखना चाहा तो कोशिश करी इसकी बेचने की। हाँ जी, जब लास्ट में इसके 60-70 नीचे उतारे हैं कट्टे, उस समय कोशिश करी जी बेचने की कुछ इसको? नहीं, कोशिश तो सुबह से कर रहे थे, तभी तो 60-65 बचे ना जी, बाकी गाड़ी बिक गई। अच्छा, 60-65 रह गए। तो इनके मांगने वाला नहीं आया कोई? कम नहीं, कोई मांगने वाला नहीं आया, क्योंकि बिक्री स्लो चल रही है। अच्छा जी, तो बैलेंस रुक रहे हैं, नीचे भी उतर रहे हैं, गाड़ियां भी खड़ी रह रही है। बाकी इसके आलू की पोजीशन 850-900 है इसका। अच्छा जी, अच्छा, जो 900-950 तक हमने खूब बेचे अभी कुछ। और इसकी LR का क्या चल रहा जी? LR राणा जी पास हो जाए, वेफर पास हो जाए, साइज बढ़िया हो, 1150-1150 भी है। अच्छा जी, और अगर उसमें शिकायत आती है कुछ, जैसे चिप्स लाल बन गया, लाल पड़ गया, तो 1000-1050, मतलब LR के भी कई रेट है। अच्छा जी, अब सभी आलुओं के अंदर मोटा मोटा समझ लो 2 से लेकर 3 रुपए किलो के अंतर, 2 से 3 का मतलब हो गया 100-150 रुपए कट्टा। अच्छा जी, कोई आलू 900 है तो कोई 1050 है, ठीक है, 150 रुपए कट्टे का अंतर हो गया। अच्छा जी, ऐसे ही चिप्सोना आलू है, चिप्सोना आलू 1050-1150-1150 तक भी बिकने लग गया था, चिप्सोना की पोजीशन रह गई है 850-950 रुपये। अच्छा जी, क्योंकि चिप्सोना ही एक आलू ऐसा है जिसकी ये पिछले दिनों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अराइवल चिप्सोना की आ रही है। अच्छा जी, आज कितनी आ जी टोटल? 19 गाड़ी चिप्सोना है। अच्छा जी, इससे ऊपर कोई भी नहीं है। 14 डायमंड है, 19 ये है, 11 लाल है और 12 नया है, 12 ही कोल्ड है, तो मतलब हाईएस्ट आज भी चिप्सोना है। तो डायमंड की कितनी है जी गाड़ियाँ? डायमंड की 14 गाड़ी। और इसका बाजार जी? डायमंड का बाजार भी टूटा हुआ है 50, मतलब 1 से लेकर 1.5-2 रुपये किलो तक सभी बाजार मंदे हुए। अच्छा जी, जो डायमंड 1050-1100 तक बिक गया था, आज 900-950-850 ये पोजीशन है, वो भी स्टोर वाले डायमंड की। कोठे वाले की पोजीशन बढ़िया नहीं है, उसकी लूजिंग आ चुकी है। अच्छा जी, अच्छा, हाँ, अब डायमंड ग्राहक जो है कोल्ड का मांग रहा है। तो फिर कुल मिला के क्या बनेगा जी अब ये? नहीं, सब बढ़िया बनेगा। हाँ जी, अब 1 महीना आप जो वीडियो बनाओगे बस उसमें धैर्य रखने की ज़रूरत है, आपको भी, हम लोगों को भी, सुनने वालों को भी और देखने वालों को भी, ठीक है जी, क्योंकि बिक्री स्लो रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है, और अराइवल भी नहीं आएगी ज़्यादा। अच्छा जी, जैसे आज शुक्रवार का दिन है, ओखला मंडी बंद है, तब भी आज़ादपुर की अराइवल ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा जी, ओखला बंद होने के कारण भी जहाँ अराइवल नहीं बढ़ी, अराइवल कंट्रोल में रहनी है और सेल भी उतनी रहनी है। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीना हमें ओके सोके काटना पड़ेगा और निकल जाएगा बढ़िया तरीके से, उसके बाद देखना फिर स्पीड पकड़ेगा आलू। जब तक कोई साउथ की मंडियां मांग रही हैं, कोई बॉम्बे मांग रहा, पुणे मांग रहा, हैदराबाद मांग रहा, वहाँ की लोडिंग जारी रखनी चाहिए कोल्ड वालों को, और दिल्ली की थोड़ी स्लो रखनी चाहिए। ठीक है जी, हाँ, ऐसा नहीं है कि सभी जगह सुस्ती आएगी, कई स्टेट ऐसी हैं वहाँ डिमांड बनी रहेगी, वहाँ चलते रहे, आलू निकलता रहेगा स्टोरों से, रुकेगा। आबादी तो 150 करोड़ की है। हाँ, और दिल्ली के हिस्से में तो समझ लो 5 करोड़ की आबादी है, और शायद आजादपुर के इलाके में, आजादपुर में 1.5 करोड़ की आबादी आती है मेरे हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली NCR की जो टोटल मंडियाँ देखा जाए 1.5 करोड़ की आबादी आएगी, बाकी तो सारी मंडियाँ खुली हैं जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बाकी मंडियों में भी बिक्री स्लो होती है, क्योंकि यहाँ दिल्ली की पब्लिक बाहर बहुत चली जाती है इन दिनों में ना जी, अपने गाँव में, घरों में, कनक की कटाई है, कोई ब्याह शादियां भी बहुत थी पिछले दिनों में, तो वो सब जब लौट आएंगे दोबारा से रौनक बढ़ जाएगी। तो चलिए, धन्यवाद सर। समय वो दोबारा आ जाएगा, जो हमारे तिवाड़ी जी बोल रहे थे कि सुबह माल लिखने ही नहीं देते थे ग्राहक, ये क्या रेट है, वो क्या रेट है, 1 महीने बाद वैसा समय दोबारा आ जाएगा। इन ये तो 15 जून के बाद ही आता है जी, बस समय जहाँ पहली बरसात आती है मानसून की, 15 जून समझ, पहली बरसात मानसून की आई और आलू की बिक्री खुली जी पूरी। बाकी जो कोठे का आलू है, हाईब्रिड आलू की पोजीशन 700-750-800 रुपये है। अच्छा जी, और 37-97 कोठे के तो करीब करीब निपटते जा रहे हैं, स्टोर वाला बढ़िया आपको बताया ही है, 900 से लेकर 1000 रुपये है गोल्ड। अच्छा वाले की हाईब्रिड भी है, 900 भी, और है। ये जो नया हाड़ू है जी, ये हाड़ू भी उसमें भी देखो राणा, जब महंगाई होती है ना मध्य के अंदर, वही 10-20 रुपये का अंतर होता है, महंगाई जैसे जैसे आलू तेज होता है 100-150 रुपये का अंतर है। पंजाब का आड़ू जिसमें चेचक है, सुराख है, वो 600-650 का भी बाजार है।
अच्छा, तो गाड़ी ऐसी पल्ले पड़ गई हमारे पास आ गई तो उस रेट में ही बेचनी पड़ेगी। ठीक है। और जो सुपर क्लास आ रही है जैसे ऊना क्वालिटी है 850 रुपये की रेट। अच्छा जी। तो ज़्यादातर उसका रेट 750 रुपये, नीचे आ जाए 650, हाई क्लास हो 850। हाड़ू, ठीक है जी, हाड़ू बिक जाता है, 12 गाड़ी है नई की बिक जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी आपका। ये हमारी फर्म है जी, राम लोहाया राकेश कुमार, 1013 सब्जी मंडी आजादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 98111 55 700। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी।